इस बीच एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक्शन में है सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग हर महीने की जाए और जन सुनवाई की शुरुआत कल से हो, ये आदेश दिए हैं सीएम ने। कमिश्नर कलेक्टर समेत सभी अधिकारी जनता से मिलेंगे, शिकायतें सुनेंगे जनता की और उनका निराकरण भी किया जाए। तो भोपाल से एक बड़ी खबर, एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग हर महीने होगी और जन सुनवाई कल से शुरू की जाए, ये आदेश भी सीएम शिवराज ने दिए हैं। इसके अलावा कमिश्नर कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जनता से मिलेंगे। सीएम हेल्पलाइन से अब हर महीने मॉनिटरिंग होगी। बीच में हम लोग कोविड में लग गए थे और जन सुनवाई हम लोग मंगलवार को करते रहे हैं, तो कल से ही जन सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी 11 से 12। कमिश्नर कलेक्टर सहित बाकी विभागों के अधिकारी भी अपने अपने कार्यालय में जनता से मिलेंगे, शिकायतें सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। और जन सुनवाई से निराकरण की भी हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। ये नहीं कि आवेदन रख लिया और कुछ हो ही नहीं रहा है, जिनमें हो सकता है तत्काल काम होना चाहिए। समाधान एक दिन योजना हमारी, जिसमें चिन्हित सेवाएं सवेरे आवेदन दे, शाम को होके उसके हाथ में पहुंच जाए। समाधान एक दिन, वन डे गवर्नेंस हम लोगों ने कहा, इसको हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पे अब हर महीने। तो एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि कोविड कॉल की बात करें तो जन सुनवाई बंद हो गई थी, लेकिन उसे दोबारा से कल से शुरू किया जाए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की हर महीने मॉनिटरिंग की जाएगी। एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है एक बार फिर से जन सुनवाई की शुरुआत हो और सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है उसकी मॉनिटरिंग अब हर महीने की जाएगी। चले फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता अनन्य चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। अनन्य, एक्शन में एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, सीएम ने क्या कुछ हिदायतें दी हैं अफसरों को, विस्तार से पूरी खबर पर जानकारी। बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर अंकुश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की जो हर महीने मॉनिटरिंग होती है उसके बीच आज जो है कोविड के बारे में चर्चा की। कमिश्नर और कलेक्टर से जिस आज में चर्चा हुई है उस दौरान उन्होंने कहा है कि जनसुनवाई जो है वो मंगलवार को करते रहे हम और कल से जो है जनसुनवाई प्रारंभ हो, यानी कल मंगलवार है, कल से इसकी शुरुआत होने की उन्होंने बात कही है। इसके अलावा 11 से 12 बजे के बीच जो है कमिश्नर कलेक्टर के साथ जो बाकी विभागों के अधिकारी थे उन्होंने अपने अपने कार्यालय में जनता से मिलेंगे और वो जो है उन कार्यकर्ताओं से जो है संवाद करेंगे, संवाद स्थापित करने की बात उन्होंने कही है, साथ ही शिकायतें सुनेंगे और उनका निराकरण भी करेंगे। और आपकी जनसुनवाई की जो लगातार मॉनिटरिंग है उसको सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे इस दौरान। साथ ही ये नहीं हो कि उन्होंने खुद ये बात कही है कि ये नहीं हो कि आवेदन रख लिया और कुछ नहीं किया, उसमें तत्काल कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। तो एक्शन मोड में जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल उनको सही बात है कि एक्शन मोड में यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी संदेश दिया था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी कि अधिकारियों के लिए संदेश है कि यहाँ पर सीएम सख्त है और जो कहते हैं कि काम है उसमें कहीं भी वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सीधा संदेश है यहाँ पर अधिकारियों को भी कि इन सभी चीजों के लिए जो है, यानी कि कोई भी शिकायतें अगर आती हैं तो उसका निराकरण तुरंत होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आवेदन किसी ने दिया और वो रख लिया, उस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बार फिर एक्शन में सीएम शिवराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता में जानकारी दे रही थी एक्शन में एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को एक बार फिर निर्देशित किया है कि दोबारा से जन सुनवाई की शुरुआत हो और सीएम हेल्पलाइन की जहां तक बात है हर महीने उसकी भी मॉनिटरिंग होगी। समाधान एक दिन, वन डे गवर्नेंस। चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात होगी। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने